Hi friends and my dear students, welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir. So today in this video we are discussing and we are going to start and classes for all the competitive exam from whatever be the state and whatever the exams you are going to prepare. For that's why we are starting the new courses here, that is civil engineering videos. So for the first subject I am going to start with the building construction. So welcome to our YouTube channel Civil with Sudhir. So let's begin friends. Please subscribe our channel, like this video, comment and share to your friends so that maximum people can join this one. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए तो बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे हम, बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सभी सब्जेक्ट्स में इम्पोर्ट, सभी एग्जाम्स में वही रहेगा, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे. राइट, बिल्डिंग मटेरियल का कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे. तो हम क्या है, आज क्लास वन है सीमेंट का पूरा. ठीक है, आज जितना क्लास होता है आज, तो वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका. आप यही सब वीडियोस देखते जाइए वन बाय वन. और वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप खुद से नोट्स बनाइए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके तब का तब भी मैं जो भी पॉइंट्स बोलता हूँ वो वहीं पे लिख दीजिए, ताकि आपको बाद में रिविजन के लिए ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स. चलिए, वीडियो के बारे में आपको बोल दिया, डेली 7 PM क्लास आपको क्या है, 7 PM को आपको ये वीडियो अपलोड वीडियो आ जाएगा. ठीक है, तो वीडियो आप डेली वीडियो आएगा, जैसे जैसे ये वीडियो आप देखने स्टार्ट करेंगे मैं जीके का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द सीमेंट. आई थिंक यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ यू, सो व्हाट यू मीन बाय सीमेंट. सीमेंट के बारे में सब लोग जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ. सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स. सो रॉ मटेरियल्स कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, याव यावधु रॉ मटेरियल्स यूज मारते रहे. सो वन रिक्वेस्ट इधर है, सो वन रिक्वेस्ट है यहाँ पे, मैं हिंदी और कन्नड़ा दोनों में बोलता हूँ, अगर बिकॉज सब लोग यहाँ पे वीडियो देखते हैं, हिंदी वाले, कन्नड़ा वाले, कोई भी स्टेट वाले, तो हिंदी मैं ज्यादा यूज करूंगा, बिकॉज सबको समझ में आना चाहिए इसीलिए. सो सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल्स ऑफ अर्जिलेशियस एंड कैल्क्रिएशियस मटेरियल. ठीक है, तो अर्जिलेशियस मटेरियल्स कौन सा है यहाँ पे देखिए. सो अर्जिलेटर मटेरियल्स लाइक ब्लास्ट फर्नेस स्लैग. ठीक है, सो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, शेल एंड क्ले. ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, शेल, क्ले, जो भी होता है उसको हम अर्जिलेशियस मटेरियल बोल के सीमेंट मैन्युफैक्चर में हम यूज करते हैं. ठीक है, अदन ना यूज मारती हूँ. कैल्क्रिएशियस मटेरियल लाइक लाइम स्टोन एंड चाल्क. लाइम स्टोन एंड चाल्क को हम क्या है, सीमेंट मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं. सिंपल पॉइंट आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे बोल दिया, ये इंट्रोडक्शन हो गया. अब नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, वही है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट इज नथिंग बट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन द सीमेंट. जो भी सीमेंट में केमिकल प्रेजेंट है उसका फंक्शन आपको मालूम रहना चाहिए. ठीक है, तो वो फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कितने सारे केमिकल्स प्रेजेंट है हम जो भी सीमेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ओके, तो यहां पे मैं आपको, यहां पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है लाइम. ठीक है, लाइम इज अ मेजर परसेंटेज, मेजर परसेंट वही रहेगा 62 to 65%. सिलिका रहेगा SiO2, उसका केमिकल कंपोजिशन और परसेंटेज रहेगा 17 से 25%. अल्यूमिना रहेगा Al2O3 3 to 8%. ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट, देखिए वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम. जिप्सम जैसा हम ऐड करते हैं उसका फंक्शन अभी हम फर्दर इसमें पढ़ेंगे. अभी CaSO4 बोलते हैं हम, 3 to 4% रहता है वो, 3 to 4%. आयरन ऑक्साइड Fe2O3 वो कितना रहता है, 3 to 4% प्रेजेंस रहता है सीमेंट में. मैग्नीशिया 1 to 3%, सल्फर 1 to 3%, अल्कलीज K2O N2O इज 0.2 to 1%. तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये सब केमिकल कंपोजिशन है, इसको आपको याद रखना होगा. तो एग्जाम में आपको किसी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, परसेंटेज कितना है बोल के भी पूछ सकते हैं. यहाँ पे इस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये परसेंटेजेस, ठीक है, लाइम का कितना है, ये सब आपको याद रखना है, बिकॉज आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में आ सकता है. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसका ही फंक्शंस पढ़ेंगे अभी. ठीक है, इन डेप्थ आपको मालूम रहना चाहिए लाइम का फंक्शन क्या है. ठीक है, फर्स्ट देखिए, लाइम
CaO 62 to 65% रहेगा। तो लाइम का फंक्शन, लाइम काम करता क्या है, ठीक है, लाइम अगर सीमेंट में प्रेजेंट रहता है तो लाइम करता क्या है, लाइम हम तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ और साउंडनेस, ओके, को साउंडनेस देता है, ठीक है, इंपॉर्ट स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस। एंड अगर लाइम कम रहा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देन सीमेंट सेट क्विकली एंड स्ट्रेंथ विल रिड्यूस, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, अगर एक्सेस हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, एक्सेस हुआ तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कम पड़े तो क्या हो जाएगा, क्विकली सेट हो जाएगा और क्या है, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड वन सिलिका, तो सिलिका देखिए 17 to 25% रहेगा, तो इसका फंक्शन क्या है, इट इंपार्ट स्ट्रेंथ टू द सीमेंट, राइट, सो एक्सेस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, कितना आप सिलिका ऐड करेंगे उतना क्या है आपका स्ट्रेंथ कंपलसरी बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, देखिए तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट आपको मालूम है 30 मिनट्स रहता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, अगर आप सिलिका कंटेंट एड ऑन करेंगे, ठीक है, हम अभी अगर 17 से 25% इसको नहीं रखे, अगर 27, 28, 30% तक हम इसको इंक्रीज किए तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, उससे क्या है सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्या है स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अलुमिना, अलुमिना Al2O3 3 to 8%, राइट, इसका फंक्शन क्या है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है सीमेंट को, राइट, इफ एक्सेस इट वीकन्स द सीमेंट, अगर एक्सेस हुआ ज्यादा हुआ तो ये क्या है सीमेंट को वीक कर देता है और क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मिस ये हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, रिड्यूस आना चाहिए, रिड्यूस क्लिंकरिंग टेम्परेचर सीमेंट एंड ऑल्सो रिड्यूस द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को अल्यूमिना ही रिड्यूस कर देता है अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, CaSO4 इज इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, 3 to 4% रहेगा ये, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, हेल्प्स टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, देखिए अल्यूमिना का रिवर्स है ये, तो ये इससे क्या होगा, अगर आप जिप्सम ऐड करेंगे तो, जिप्सम अगर आप ऐड नहीं करेंगे क्या हो जाएगा, वाटर ऐड करने के बाद सडनली सीमेंट सेट हो जाएगा, तो इसको हम हाफ एन आवर वन आवर के लिए जो हम इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज एप्लीकेशन के लिए हमको टाइम लगता है ना, उसके लिए ये क्या है, हम कैल्शियम सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम हम ऐड करते हैं 3 to 4%, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट 3 to 4%। नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, नेक्स्ट है आयरन ऑक्साइड 3 to 4% रहेगा, Fe2O3 हम इसको केमिकल, इसका फॉर्मूला है, इम्पार्ट्स कलर, कौन सा कलर, रेडिश ब्राउन कलर देगा और स्ट्रेंथ हार्डनेस भी देगा, आयरन ऑक्साइड क्या देगा, जो सीमेंट का कलर जो रेडिश ब्राउन आएगा फर्स्ट, लास्ट में इसका ग्रे आएगा, बट रेडिश ब्राउन जो देगा ये स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आयरन ऑक्साइड देगा। मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया 1 to 3% रहेगा, MgO, एक्सेस मेक सीमेंट अनसाउंड, अगर मैग्नीशिया एक्सेस रहा तो अनसाउंड इज नथिंग बट वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, अगर मैग्नीशियम ज्यादा कंटेंट में है तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा, उससे क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे, सीमेंट जहां पे भी यूज करेंगे वहां पे क्रैक्स आ जाएंगे और स्ट्रक्चर फेल होने का चांसेस भी रहेगा, तो मैग्नीशिया 1 to 3% ही रहना चाहिए। इसका फंक्शन क्या है मैग्नीशिया का, इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड कलर टू द सीमेंट, यहाँ पे देखिए येलोइश टिंट, ये दोनों कॉम्बिनेशन जब मिलते हैं आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया तो ग्रे कलर में आपका फाइनल जो आएगा वो ग्रे कलर में आ जाएगा, ठीक है, येलोइश टिंट। नेक्स्ट इज सल्फर 1 to 3% रहेगा, सो सल्फर का काम क्या है, सल्फर का फंक्शन क्या है सीमेंट में, इट इम्पार्ट साउंडनेस टू द सीमेंट, ये साउंडनेस देगा, ठीक है, इफ इट एक्सेस मोर देन 2% सीमेंट विल बिकम अनसाउंड, अगेन द सेम प्रॉब्लम, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगा, सल्फर और मैग्नीशिया दोनों भी क्या है वो अनसाउंडनेस हो जाएगा, ठीक है। अल्कलीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, K2O N2O 0.2 to 1%, 1% से कम रहना चाहिए अल्कलीज, ठीक है, सो इट कॉजेस एफ्लोरेसेंस, सो वॉट यू मीन बाय एफ्लोरेसेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए एफ्लोरेसेंस मीन्स
जब भी अल्कलीज प्रेजेंस होगा सीमेंट में, ठीक है, अल्कलीज ज्यादा परसेंट में प्रेजेंट होगा, तब क्या होगा, जब आप सीमेंट यूज करेंगे, जिस स्ट्रक्चर पे आप यूज करेंगे वहां पे व्हाइट पार्टिकल्स आ जाएगा, ठीक है, व्हाइट ग्रे पार्टिकल्स आ जाएगा, सेम साल्ट के जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो वैसे जब आएगा आप समझ लेना चाहिए इसमें अल्कलीज प्रेजेंस ज्यादा है इस सीमेंट में, तो अल्कलीज रिएक्ट विथ वाटर एंड व्हाइट ग्रे स्पॉट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। आप देखे होंगे, आप देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखना है, दीज आर द टोटल 8 फंक्शंस ऑफ सीमेंट, यू मस्ट रिमेंबर विद दिस फंक्शन एंड द परसेंटेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, हाँ, बोगस कंपाउंड। देखिए फ्रेंड्स, बोगस कंपाउंड क्या है उससे पहले आपको समझना होगा ये कंपाउंड्स कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। वीडियो में आपको यहाँ पे लिखे सो है, फिर भी मैं ओरली आपको बोल रहा हूँ, आप वर्डिंग्स में समझिए, ठीक है। जब आप सीमेंट को वाटर ऐड करते हैं, सीमेंट एक ही एक्ट नहीं होगा, जो भी अभी हमने 8 केमिकल कंपाउंड्स हमने जो अभी स्टडी किया है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस और द केमिकल्स वी हैव स्टडीड, जस्ट दोज 8 केमिकल्स दे हैव रिएक्ट विथ ईच अदर एंड 4 मेजर कंपाउंड्स विल कम और 4 मेजर कंपाउंड्स विल फॉर्म्ड, ठीक है। वो कंपाउंड फॉर्म होने के बाद आपको उस कंपाउंड को स्टडी करने के लिए बोगस, ठीक है, उसका ये नाम है, तो उन्होंने स्टडी किया था इसीलिए इसका नाम बोगस कंपाउंड बोल के रखे तो है। तो यहां पे देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो चार इंपॉर्टेंट बोगस कंपाउंड कौन से है, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब इसके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे, बिकॉज कंपल्सरी आप किसी भी एग्जाम दीजिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वन आर टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इज कंपल्सरी इफ यू आर स्टडिंग फॉर एनी एग्जाम, ठीक है। तो चलिए, सो बोगस कंपाउंड का फर्स्ट देखिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला क्या है उसका, 3CaOSiO2, ठीक है, अब्रीवेशन C3S, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ओनली नाम याद मत रखिए, अब्रीवेशन भी याद रखिए, और ये फार्मूला के साथ एक एक बार फार्मूला भी पूछने का चांसेस रहेगा, तो फार्मूला के साथ अब्रीवेशन के साथ नाम भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट इज 2CaOSiO2C2S, टू सी ए ओ एस आई ओ टू सी टू एस। नेक्स्ट ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, 3CaO Al2O3, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट C3A, दैट अब्रीवेशन इज C3A। टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनोफेराइट इज 4CaO Al2O3Fe2O3, C4AF इज द अब्रीवेशन फॉर दिस वन। नाउ देखिए, बोगस कंपाउंड का जो परसेंटेज बाय मास है सीमेंट में वो भी इंपॉर्टेंट है, C3S इज 30-50%, कभी कभी 60% भी ऐड करते हैं, ठीक है, 60% तक भी ऐड कर सकते हैं। सो C3S इज मेजर कंपाउंड जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने की पॉइंट है, देखिए इंपॉर्टेंट है, C3S मैक्सिमम कंटेंट, बोगस कंपाउंड में मैक्सिमम कंटेंट किसका है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S 20-45%, सो सेकेंड वन है C2S, दैट इज द डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट 8-12% है, तो C4AF इज मिनिमम। देखिए यहां पे आपको सीक्वेंस में याद रखना होगा, C3S, C2A, C3A, C4AF, परसेंटेज में मैक्सिमम है C3S, मिनिमम है C4AF, ठीक है। तो ये हो गया बोगस कंपाउंड के फॉर्मूला, अब्रीवेशन, परसेंटेज बाय मास इन द सीमेंट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको शॉर्ट नोट्स पे कंपलसरी लिखिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। चलेंगे नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे अभी, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द बोगस कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ बोगस आर, देखिए, सो C3S का प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। देखिए जब आप सीमेंट यूज करते हैं, जब आप सीमेंट में वाटर एड करते हैं, 7 डेज जो भी है, फर्स्ट 7 डेज का जो स्ट्रेंथ है वो C3S के कारण आएगा, ओके, C3S के रीजन से ही आपको
सेवन डेज टर्न आएगा, फर्स्ट सेवन डेज टर्न, ठीक है। इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C3S स्ट्रेंथ सेवन डेज, फर्स्ट सेवन डेज में यही देगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका ही मैक्सिमम है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका ही मैक्सिमम है। ए सीमेंट विथ मोर C3S कंटेंट इज बेटर फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, अगर आपको कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग करना है तो C3S का कंटेंट आपको बढ़ाना होगा। अभी हमने पढ़ा था 50% तक, आप 60% तक भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करके जब आपको करना है तो कोल्ड वाटर वेदर में आप यूज कर सकते हैं। ये है C3S का। C3S में इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखने का, सेवन डेज स्ट्रेंथ, जो भी फर्स्ट सेवन डेज स्ट्रेंथ आएगा वो C3S के लिए आएगा, और मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन इससे ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट C2S, ठीक है। C2S देखिए, C2S का क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो हाइड्रेशन ऑफ C2S स्टार्ट्स आफ्टर सेवन डेज, फर्स्ट सेवन डेज C3S, उसके बाद C2S आएगा सेवन डेज, हेंस इट गिव्स द स्ट्रेंथ आफ्टर द सेवन डेज, सेवन डेज के बाद ये स्ट्रेंथ देगा। सो इसके बाद क्या करेगा C2S, हाइड्रेट एंड हार्डन स्लोली एंड प्रोवाइड्स मच ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोले तो आपको लेटर ऑन स्ट्रेंथ बोलते हैं ना, लेटर ऑन स्ट्रेंथ, बाद में जो स्ट्रेंथ आएगा, इनिशियल तो C3S से आएगा, उसके बाद जो है C2S से आएगा, ठीक है, सेवन डेज के बाद। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, अभी बोला मैंने। सो इट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन रहेगा। देखिए मैक्सिमम C3S है, मिनिमम C2S है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं C3A, ठीक है। C3A कौन सा है, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट। सो अल्यूमिनेट क्या करेगा, ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट क्या करेगा, द रिएक्शन ऑफ C3A विथ वाटर इज वेरी फास्ट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है, वेन यू एड द वाटर टू द सीमेंट, फर्स्ट कंपाउंड टू रिएक्ट विथ वाटर बोल के, तो रिएक्ट विथ द सीमेंट और रिएक्ट विथ द वाटर अगर क्वेश्चन आया तो आपको C3A टिक करना होगा, बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन यही करेगा C3A, स्ट्रेंथ वो देगा, ठीक है, स्ट्रेंथ आपको C3A ही देगा, बट समझिए आप जो रिएक्ट, यहाँ पे रिएक्शन का पूछ रहे हैं, रिएक्ट जो होगा C3A होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो रिएक्शन ऑफ C3A विथ वाटर इज वेरी फास्ट एंड मे लीड टू एन इमीडिएट स्टिफनिंग ऑफ द पेस्ट, इमीडिएट स्टिफनिंग होगा, एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज फ्लैश शट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फ्लैश शट पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। ये सब देखिए आपको डैश बोल के फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो इसका मीनिंग क्या है, फास्ट सेट होगा, सो इमीडिएट स्टिफनिंग और पेस्ट हार्ड हो जाएगा, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस फ्लैश सेट बोलते जल्दी सेट हो जाएगा, इसके लिए 2-3% जिप्सम ऐड करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक सिचुएशन देखिए, एक सीमेंट है, जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं वो 1 or 2 मिनट में सेट हो रहा है, तो आपको सीमेंट यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उस सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2-3% जिप्सम हम ऐड कर रहे हैं, एड एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट क्लिंकर्स के टाइम हम उसमें ऐड कर रहे हैं, इतना ही है। द हाइड्रेट C3A डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, ये स्ट्रेंथ के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ओनली सेटिंग टाइम के लिए करेगा, ठीक है। वो दोनों क्या है, स्ट्रेंथ के लिए है। देखिए दीज टू C3S एंड C2S इज फॉर द स्ट्रेंथ एंड C3A एंड C4A इज फॉर द व्हाट, सेटिंग टाइम। नेक्स्ट इज C4AF हाइड्रेट रैपिडली, ये रैपिडली हाइड्रेट होगा, बहुत ही स्लो होगा, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, ये तो अभी मैंने बोला आपको। द हाइड्रेट ऑफ C4AF शोज कंपेरेटिवली हायर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक देन द हाइड्रेट ऑफ C3A। देखिए सल्फेट अटैक, ठीक है, सल्फेट अटैक जहाँ पे इंडस्ट्रीज में रहने दो या कोई केमिकल इसमें हम जब वहाँ पे यूज कर रहे हैं तो C4AF कंटेंट को इंक्रीज कर देंगे हम वहाँ पे, इस कंटेंट को इंक्रीज करके हम उस टाइप का सीमेंट मैन्युफैक्चर करके हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो यही पे ये पॉइंट वही बता रहे हैं यहाँ पे, द हाइड्रेट ऑफ C4AF शोज कंपेरेटिवली हायर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक देन द
हाइड्रेट ऑफ C3A, इससे भी अच्छा ये करेगा। ठीक है, आई थिंक बोगस कंपाउंड आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है ये। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए नोट्स भी है विद आपको एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स कंपलसरी बनाइए आपका। तो देखिए नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कंपाउंड कंपोजिशन। इन्फ्लुएंस ऑफ कंपाउंड कंपोजिशन आपको पूरा क्या है वहां पे मैं आपको बताया, रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका ज्यादा है, फिर भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इस टेबुलर कॉलम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बोगस कंपाउंड में क्या क्या रिएक्शन किसका ज्यादा है, किसका कम है, स्ट्रेंथ किससे ज्यादा आएगा, किससे कम आ जाएगा। सो सीइंग टू द टेबल, टेबल में देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी और यहाँ पे देखिए ये सभी बोगस कंपाउंड में यहाँ पे लिखे हूँ। सो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए C3S का मॉडरेट रहेगा, ठीक है, ऐसा पढ़ना है आपको। रेट ऑफ रिएक्शन इज मॉडरेट, C2S इज स्लो, C3A वेरी फास्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन यू ऐड द वाटर टू द सीमेंट, द फर्स्ट टू रिएक्ट इज C3A, ठीक है, फास्ट बोल के इसलिए है मॉडरेट। C4AF इज मॉडरेट। नेक्स्ट देखिए हीट लिबरेशन, तो हीट कौन सा ज्यादा बाहर निकालेगा, ठीक है, हीट लिबरेशन बोले तो हीट ज्यादा जिससे जिस कंपाउंड से आएगा, देखिए C3S से बहुत ही हाई आएगा, ठीक है, हाई, C3S से लो आएगा, C3A से वेरी हाई आएगा, तो हीट ऑफ लिबरेशन मैक्सिमम किससे आएगा, C3A, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से आएगा C3A वेरी हाई, और C4S से मॉडरेट आएगा। कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ के लिए अर्ली डेज में C3S हाई रहेगा, अर्ली डेज में C3S का स्ट्रेंथ हाई रहेगा और C2S का स्ट्रेंथ लो रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये टेबलर का आपको किधर भी नहीं मिलेगा, मैं आपको आपके लिए सेपरेट बनाया सो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए आपके नोट्स में, ठीक है। अर्ली डेज हाई लो, उसके नेक्स्ट है C3A लो, अर्ली डेज में स्ट्रेंथ इसका भी लो रहेगा और C4S का भी अर्ली डेज में स्ट्रेंथ लो रहेगा, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेटर ऑन स्ट्रेंथ C3S का भी हाई रहेगा और C2S का हाई रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, C3S एंड C2S ओनली फॉर द स्ट्रेंथ पर्पस, C3A एंड C4AF ओनली फॉर द सेटिंग टाइम पर्पस। तो यहां पे देखिए स्ट्रेंथ में ये पूरे दोनों लो है, लो लो लो, तो देखिए आपको मालूम हो जाएगा। तो यहां पे ओनली इसको देखिए और यहां पे इसको देखिए, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हाई 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 लो लो, तो C3S C2S C3S C4AF। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट बोगस कंपाउंड, द फंक्शंस ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज फंक्शंस हो गया तो बोगस कंपाउंड हो गया, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए और इसके ऊपर फिर से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, पूरे हमारे यूट्यूब चैनल भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल को आप क्या है ज्वाइन कर लीजिए विद द सेम नेम सिविल विद सुधीर। हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल विद सुधीर बोल के है, आप सर्च करके वहाँ पे हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है सीमेंट का फर्स्ट वीडियो, फिर से कल 7 PM सभी को मीट हो जाएंगे। डोंट मिस द क्लासेस, प्लीज वॉच